नमस्कार, मैं हूं दिनेश शुक्ला। आप देख रहे हैं HNI लाइव हर खबर के साथ। महाराष्ट्र क्रांति सेना के संस्थापक सुरेश दादा पाटिल ने थाने में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में महाराष्ट्र क्रांति सेना की तरफ से उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया। इसी दौरान गठबंधन सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए गाजर बांटने का काम किया और कहा कि मराठा समाज को आरक्षण के नाम पर राज्य सरकार गुमराह करने गाजर देने का काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव में हम अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके गठबंधन सरकार के विरुद्ध गाजर बांटने के मुद्दे पर चुनाव मैदान लड़ेंगे। इस तरह का बयान सुरेश दादा पाटिल के जबानी सुनिए। दादा पाटिल है महाराष्ट्र क्रांति सेना पक्ष प्रमुख। महाराष्ट्र क्रांति सेना से तरफ से हम जितने भी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें सब उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। अभी ठाणे में हमारा रविंद्र साळुंखे करके यहाँ एक उम्मीदवार खड़ा किया है और मुंबई में उत्तर पश्चिम मतदार संघ में उल्लास पाटिल करके यहाँ मेरे लेफ्ट में है, उनका नाम डिक्लेयर किया है। और जिधर भी हम जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं उधर लोकसभा उम्मीदवार कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करते हैं, उस टाइम हम गाजर बांटते हैं लोगों को। ये सरकार ने हमको कैसा फंसाया है, मराठा समाज को कैसा फंसाया है, मराठा समाज को कैसा आश्वासन दिया है, मराठा समाज को कैसा गाजर दिखाया है और शेतकरी जो है, फार्मर जो है ये महाराष्ट्र में, फार्मर को कैसा फंसाया है, ये दो आइटम लेके हम गाजर बांट के हम हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं। कितने उम्मीदवार डिक्लेयर करने वाले हैं इस बार? हम ये आगे आने वाले चुनाव में कम से कम 47 कैंडिडेट हमारे खड़े होने वाले हैं।